दोस्तों एक्सेस पॉइंट नेम यानी कि APN यह सेटिंग लगभग सभी फोन में दिया होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक्सेस पॉइंट नेम से दोस्तों आप अपने फोन की इंटरनेट स्पीड को 10 गुना ज्यादा फास्ट कर सकते हो। अगर आपके फोन का इंटरनेट स्लो चलता है और आपके फोन के अंदर APN सेटिंग दिया हुआ है यानी कि एक्सेस पॉइंट नेम दिया हुआ है, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको APN की ऐसी हिडन सेटिंग बताऊंगा जिसे बस आपको APN के अंदर सेट कर देना है, उसके बाद आप खुद देखना आपके फोन का इंटरनेट स्पीड 10 गुना फास्ट हो जाएगा। इतना तेज चलेगा ऐसे लगेगा आपके फोन के अंदर 5G आ चुका है। तो कौन-कौन सी वो हिडन सेटिंग APN के अंदर है वो सब जानने के लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक करना है एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहना है। तो आइए दोस्तों मैं आपको स्मार्टफोन के APN की हिडन सेटिंग के बारे में बता देता हूं जिसे बस आपको अपने फोन के अंदर सेट करना है, उसके बाद आप खुद देखेंगे आपके फोन का इंटरनेट स्पीड 10 गुना फास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले APN सेटिंग को सेट करने के लिए आपको अपने फोन का जो मेन सेटिंग है इसे ओपन करना है। मेन सेटिंग ओपन करेंगे तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करना है, उसके बाद नीचे से आपको सिम सेलेक्ट करना है कौन से सिम में दोस्तों आप इंटरनेट चलाते हैं, तो मैं सिम ऑन सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पर कई ऑप्शन आता है, तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम या फिर APN करके एक सेटिंग देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करेंगे तो यहां पर दोस्तों एक डिफॉल्ट APN देखने को मिल जाता है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसे दोस्तों आपको डिलीट कर देना है, ठीक है, यहां से आप इसे डिलीट कर दीजिए इस प्रकार से। अब यहां पर दोस्तों पहले वाला जो APN था वो डिलीट हो चुका है, अब आपको प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। अब यहां पर दोस्तों एक नया APN सेट करना है, तो एक नया APN में क्या-क्या आपको यहां पर लिखना है, क्या-क्या सेट करना है वो ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहां पर नेम दिया गया है, तो नेम के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों नेम में आपको टाइप करना है अल्फा स्पेस API स्पेस 5G, आप यहां पर देख लीजिए। यहां पर दोस्तों API कैपिटल में रहेगा और 5G को भी आपको कैपिटल में रखना है। इस प्रकार से आपको नेम टाइप करना है, उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपका नेम यहां पर सेट हो जाएगा। अब आपको APN के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर APN में दोस्तों आपको डालना है 5G, ठीक है, इस प्रकार से 5G डालना है और यहां पर आपको IND लिखना है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो आपको 5G IND लिखना है। अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश या फिर किसी और कंट्री से हैं तो आप अपने कंट्री का शॉर्ट फॉर्म में नाम यहां पर एंटर कर दीजिए, उसके बाद आपको ओके कर देना है। यहां पर दोस्तों आपका APN और नेम सेट हो जाएगा। उसके बाद ये जो प्रॉक्सी है ये नॉट सेट रहेगा, पोर्ट भी नॉट सेट रहेगा। अब आपको आ जाना है यूजर नेम में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर दोस्तों आपको यूजर नेम टाइप करना है, इस प्रकार से दोस्तों आपको यूजर नेम टाइप करना है APN2.0API। सभी चीजें यहां पर आपको स्मॉल लेटर में टाइप करना है, बीच में डॉट रहेगा आप जैसा कि देख सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आपको कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद ओके करना है। अब दोस्तों यहां पर जो आपका यूजर नेम है ये भी सेट हो चुका है। अब आपको नीचे की तरफ आना है, पासवर्ड नॉट सेट रहेगा, सर्वर के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आपको एक सर्वर सेट करना है, तो www डालना है डॉट और यहां पर कैपिटल में G और यहां पर आपको टाइप कर लेना है गूगल, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। लास्ट में आपको IN टाइप करना है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, आप यहां पर देख लीजिए। इस प्रकार से आपको सर्वर टाइप करना है, ओके कर देना है और आपका जो सर्वर है वो भी यहां पर सेट हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो MMSC दिया है नॉट सेट रहेगा, ये जो प्रॉक्सी दिया है MMS प्रॉक्सी ये भी नॉट सेट रहेगा, नीचे चलना है MMS पोर्ट है ये भी नॉट सेट रहेगा। यहां पर दोस्तों MCC का एक कोड दिया है जो कि 405 मेरे फोन में दिखा रहा है, आपके फोन में हो सकता है कुछ अलग हो, तो इससे आपको चेंज नहीं करना है, जैसे का है वैसे ही रहने देना है। और जो MNC है इसमें भी दोस्तों आपको एक कोड देखने को मिलेगा, ये कोड ऐसे का ऐसे ही रखना है, आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये सब होने के बाद दोस्तों यहां पर ऑथेंटिकेशन टाइप दिया है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पर PAP और CHAP सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों यहां पर APN टाइप दिया गया, इसे आपको नहीं सेट करना है। नीचे आएंगे तो यहां पर APN प्रोटोकॉल है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहां पर IPv4 एंड IPv6 यहां पर दिया गया है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। और यहां पर रोमिंग प्रोटोकॉल दिया गया है, इसे भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेम IPv4 एंड IPv6।
यहाँ पर आप देख लीजिए इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने को मिलता है जिसका नाम है बिरर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों बिरर में कई प्रकार की सेटिंग दिया हुआ है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको LTE सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर लेना है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी यहाँ पर कई ऑप्शन दिया गया है तो आपको ऊपर की ये दो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जैसा कि यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर रखा है, उसके बाद आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा जो सेटिंग है ये कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है और इसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है आपका इंटरनेट बंद करके चालू करेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चाहिए तो एक बार दोस्तों आप अपने फोन को रीस्टार्ट कर लो। रीस्टार्ट करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप अपने फोन का इंटरनेट यूज करने जाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा आपके फोन का इंटरनेट स्पीड 10 गुना बढ़ चुका है। तो ये दोस्तों कुछ हिडन सेटिंग है जो APN के अंदर होती है जिसे करने के बाद आसानी से आप अपने फोन के इंटरनेट स्पीड को 10 गुना फास्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।